हेलो एवरीवन, आज हम एक बात करेंगे बैक पेन के ऊपर, जो काफ़ी कॉमन समस्या है, जो सबको देखी जाती है, सबको होती है, चाहे कोई भी वर्ग हो हमारी सोसाइटी का। मैं हूं डॉक्टर निकुंज मित्तल, न्यूरोसर्जन मणिपाल हॉस्पिटल से। बैक पेन आज के टाइम में सबको होता है, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सी चीज़ें तो हमारी जीवन शैली के ऊपर निर्भर करती है कि किस तरह की हम जीवन शैली हम व्यतीत करते हैं। बहुत सी बैक पेन का कारण होता है कि कमर में दबाव, नसों पे दबाव होना या डिस्क निकलना। बैक पेन होता क्यों है, पहले ये समझें। बैक पेन होने के 3 से 4 मुख्य कारण हैं। सबसे कॉमन है कमर की मांसपेशियाँ जो लूज़ हो जाती हैं, दूसरा नसों पर दबाव होना, तीसरा हड्डी कमज़ोर होना या हड्डी का बढ़ना, कमर की हड्डी का बढ़ना, चौथा जो कमर की नसें हैं, जो मेन नस है, उस पे दबाव आना किसी भी कारणवश, जैसे कि डिस्क निकल जाना, जो हमारी लंबर डिस्क होती है या थोरैसिक डिस्क होती है, सर्वाइकल डिस्क होती है, इन डिस्क के निकलने की वजह से भी कई बार बैक पेन होता है। बैक पेन का ट्रीटमेंट क्या है, या बैक पेन तो कब हम बहुत सीरियसली हमें सोचना चाहिए या लेना चाहिए या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब कमर का दर्द पैरों में आने लगे, चलने में दिक्कत होने लगे, या खड़े होने पे पैर में दर्द, चलने में पैर में दर्द, बैठने में पैर में दर्द, या कमर में दर्द, या लेटने में भी कमर में दर्द हो, तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट क्या है और क्या इलाज किए जा सकते हैं, पहले डॉक्टर को दिखाएं और पहले ये इंश्योर करें कि कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिस्क तो नहीं है, शियाटिका तो नहीं है, या कोई नस तो नहीं दबी हुई है। इसका ट्रीटमेंट मेनली आपको अपनी जीवन शैली को सुधारना है। सुबह उठ के योगा करें, एक्सरसाइज करें, वॉक पे जाएं, कैल्शियम की गोलियां लें या कैल्शियम दूध से लें, या किसी भी घर के जो नॉर्मल पदार्थ हैं उन्हें खा के भी लिया जा सकता है। अपनी हड्डियों को स्ट्रांग रखें, मसल को स्ट्रांग रखें। अगर बैक पेन नहीं ठीक होता है नॉर्मली दवाइयों से या एक्सरसाइजेस से, तब हमें एमआरआई कराना चाहिए, जिससे हमें ये पता लगेगा कि कहाँ पर दिक्कत है, क्यों दिक्कत हो रही है, क्यों बैक पेन हो रहा है, और ट्रीटमेंट उसी के हिसाब से है। ज़्यादातर बैक पेन बेड रेस्ट से ठीक हो जाते हैं, दवाइयाँ देने से भी ठीक हो जाते हैं, पेन किलर्स, बेड रेस्ट लेने से भी काफ़ी हद तक बैक पेन ठीक किया जा सकता है। कई बार बैक पेन को ठीक करने के लिए हमें ब्लॉक्स भी देने पड़ते हैं, जिसे बोलते हैं इंजेक्शंस, डिस्टल ब्लॉक्स होते हैं, नर्व ब्लॉक्स होते हैं, डिस्कल ब्लॉक्स होते हैं, कि हम इंजेक्शन के थ्रू वहाँ पे दवाइयाँ देते हैं अंदर, और उससे दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। जब ये सारी थेरेपीज फेल हो जाती हैं या जब ज़्यादा काम नहीं करती हैं, तो लास्ट ऑप्शन होता है सर्जरी। सर्जरी कई तरीके से की जा सकती है, कई प्रकार से होती है, ओपन सर्जरी भी होती है, एंडोस्कोपिक सर्जरी भी होती है। ओपन सर्जरी करके भी बैक पेन को ट्रीट किया जा सकता है, या जो चीज़ बैक पेन कर रही है, जिस वजह से दर्द हो रहा है, जो उसका रूट कॉज है, उसको भी ठीक किया जा सकता है, और एंडोस्कोपिकली भी उसको किया जा सकता है। एंडोस्कोपिक सर्जरीज के रिजल्ट्स ज़्यादा बेटर होते हैं, फास्टर रिकवरी होती है, पेशेंट घर जल्दी जा पाता है, और जो ओपन सर्जरी होती है उसके इंडिकेशंस अलग होते हैं, जैसे बूढ़ों लोगों में, या जिनमें हड्डियाँ बढ़ गई हैं, डिस्क बहुत ज़्यादा निकली हुई है, या दबाव ज़्यादा है, तो उनमें ऑपरेशन करना पड़ता है। धन्यवाद।